सभी नियोजित शिक्षक भाइयों और शिक्षिका बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल रास एजुकेशन में। तो आज जो हम आपको पहला जो अध्याय बताने जा रहे हैं वो है हिंदी भाषा का विकास। इससे 3 से 4 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछा गया है। आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन पेपर्स को आप जब पढ़ेंगे और गौर करेंगे उसमें इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने इसका बहुत ही शॉर्ट नोट्स तैयार किया है, शॉर्ट में अच्छा नोट्स तैयार किया है और जितना बताए हैं उसी से प्रश्न आपका आना है। ठीक, निश्चित रूप से वहीं से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे क्योंकि परीक्षा का समय बहुत कम है। अगले 25 दिनों में आपको परीक्षा के लिए तैयार हो जाना होगा। सीबीटी मोड में एग्जाम है तो आपको तैयारी जोरदार तरीके से रखना होगा। 4 ऑप्शन है, सबसे अच्छी बात यही है कि 4 ऑप्शन है। बीपीएससी में 5 ऑप्शंस देते हैं, वो कंफ्यूजन का कारण बनता है। इसमें 4 ऑप्शन है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो उसी आधार पर जो है हम तैयारी कराने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि अंत तक हम लोग के साथ बने रहिए और इस चैप्टर को बहुत गौर से देखिए ताकि आप 3 मार्क्स या 4 मार्क्स वो सिक्योर कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है और 1 से लेकर 12 तक में जितना भी क्वेश्चन हमने देखा भाषा पे जो है लैंग्वेज पेपर का जो भी प्रश्न था तो उसमें से केवल इससे 2 से 3 प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो 2 से 3 प्रश्न के लिए हम लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और बहुत ही आसान प्रश्न है। हमने इसको समराइज कर दिया है। ठीक है, हम भी आप ही लोगों के बीच में से एक शिक्षक हैं और आपके लिए हमने इसको समराइज किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसको शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो हमको पता है कि भाषा के बिना कुछ भी नहीं है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और हम लोगों को एक दूसरे से बातचीत करना होता है तभी हम लोग जो है समझ पाते हैं, है ना। तो बातचीत के माध्यम से हम लोग है ना एक दूसरे के भावों को समझ पाते हैं। तो भाषा जो है क्या है, तो भाषा सरकारना पड़ेगा उसको। तो प्यारे शिक्षक साथियों, सभी बंधुओं से मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखेंगे तो निश्चित रूप से जो है 2 से 3 नंबर का प्रश्न आपको यहीं से आना है। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है क्योंकि 1 से 12 तक का जो हमने स्टडी किया तो अधिकांश जो प्रश्न हमने देखा तो 2 से 3 प्रश्न, ये जो आप कोई भी व्याकरण किताब अगर लेंगे तो ये भाषा जिसको हम लोग कहते हैं अभिव्यक्ति का एक माध्यम, वहां आपको निश्चित रूप से है ना आप जब उसको पढ़ेंगे तो उसका सार हमने तैयार किया है, संक्षेप किया है, उन सारे इंपॉर्टेंट चीजों को चुन करके जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए। तो देखिए भाषा क्या है, तो भाषा अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेशन का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का क्या है, तो एक माध्यम है। और भाषा शब्द जो बना है संस्कृत के भास धातु से बना है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि संस्कृत के भास धातु से बना है भाषा। और भास का अर्थ क्या होता है, भास का अर्थ होता है बोलना। भास का अर्थ क्या होता है, बोलना। तीसरा पॉइंट है जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों है ना एवं विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट था इसका। आगे देखेंगे, आगे का जो पॉइंट है इस तरह से भाषा परिवार पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो तमाम भारतीय भाषाएं हैं वो कहां से आई है। ठीक है ना, तो जिसका उद्भव ठीक है किसी एक मूल भाषा से हुआ है
उसे भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, भाषा परिवार का अर्थ समझ गए होंगे आप लोग कि जिसका उद्भव किसी एक मूल भाषा से हुआ हो उसे हम लोग भाषा परिवार कहते हैं। और भारत की जो भाषाएं हैं चार भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है, कौन कौन सा है? तो सबसे पहले है भारोपीय, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंडो यूरोपियन कहते हैं, इंडो यूरोपियन कहते हैं इसको, है ना, इंडो यूरोपियन। दूसरा है द्रविड़, द्रविड़ में क्या होगा? द्रविड़ियन, द्रविड़ियन, है ना। और तिब्बत बर्मी, है ना, तिब्बत बर्मी। और चौथा आग्नेय, क्या है? चौथा आग्नेय। ठीक, इस चीज को याद रखेंगे आप लोग कि भारत की भाषाएं चार भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, मतलब भारत में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, है ना, तो वो चार भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। पहला कौन है? इंडो यूरोपियन। ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है, इस तरह से रहेगा कि भारत की भाषाएं कितने मतलब भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4। जैसे आप पिछले एग्जाम में देख रहे होंगे कि संधि कितने प्रकार का होता है, 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, इस टाइप का था। तो भारत की भाषाएं चार भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। याद रखिएगा भारतीय यानी भारत और यूरोपीय, जिसको इंग्लिश में इंडो यूरोपियन कहते हैं। दूसरा है द्रविड़ियन, द्रविड़। आप ये जो द्रविड़ वाला है ये साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में ये मतलब है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो आपको बाद में बताएंगे, तमिल तेलुगु ये सब आता है। फिर है तिब्बत बर्मी और चौथा आग्नेय। ठीक है, इसको और अच्छा से याद इस तरह से रखिएगा, देखिए यहां कि संपूर्ण विश्व में करीब, इस चीज को याद रखिएगा कि संपूर्ण विश्व में करीब 3000 भाषाएं बोली जाती है। कितनी भाषाएं? तो 3000 भाषाएं बोली जाती है संपूर्ण विश्व में, करीब 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, आप इसको याद रखेंगे। उनमें से एक हिंदी भी है, यह विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, फोर्थ नंबर पर यह आता है। ठीक है, तो प्रश्न के रूप में यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आपको थ्योरी तो दे ही रहे हैं, प्रैक्टिकल भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे, इसके आधार पर 50 क्वेश्चन का सेट तैयार किए हैं आप इसके बाद। ठीक है, आपको 50 क्वेश्चन देंगे, उसको आप मतलब मेरे साथ साथ आप टिक करते जाइएगा या बोलते जाइएगा कौन कौन सा क्या क्या होना है। आप हमें पता है शिक्षक बंधुओं कि आप काफी सक्षम है, हम आपको पढ़ने का साहस नहीं कर सकते, ये बात भी तय है, क्योंकि आप खुद ही शिक्षित हैं, आप शिक्षक हैं, आप गुरुजन हैं, हम आपको पढ़ाने नहीं आए हैं, हम केवल जो पुस्तक है उसका सार संक्षेप लेकर के आए हैं, ताकि आपने जो पढ़ा तो आपका ये छोटा भाई, आपका अनुज, आपको ये सारी चीजें क्या कर सके, तो आपको रिवाइज करवा सके। आप खुद ही सक्षम है, आप पूरी तरह से इन सब चीजों को जानते होंगे। तो फिर मैं कह रहा हूं कि मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूं, केवल भूली हुई चीजों को याद दिलाने के लिए आया हूं, क्योंकि सभी हिंदी से तो नहीं होंगे, सब अलग अलग विषय से होंगे, कुछ संस्कृत है, कुछ इंग्लिश वाले हैं, कुछ मैथ वाले हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो उनके लिए भी हिंदी उतना ही महत्वपूर्ण है ना, जितना खुद हिंदी वालों के लिए। तो आप सबों को हम केवल रिवीजन करवाने के लिए, आपका छोटा भाई आपके बीच में इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। गलतियां है ना, मनुष्य के जीवन का हिस्सा, हो सकता है हमसे भी कुछ गलती हो, तो निश्चित रूप से अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप पर्सनली हमें जरूर इत्तला करेंगे, खबर करेंगे कि आप इन इन जगहों पर गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन हमने कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए मटेरियल तैयार करें, पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप चाहेंगे तो आपको भेज भी देंगे। धन्यवाद। आगे देखते हैं, यह विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, कौन? हिंदी। अब पहला नंबर पर कौन है भाई? तो पहला नंबर पर जो है मंदारिन, मंदारिन जो कि चीनी भाषा है, चाइनीज लैंग्वेज है, वो है मंदारिन। याद रखिएगा आप लोग कि विश्व में सबसे अधिक मंदारिन बोली जाती है। कारण क्या है इसका? क्योंकि चीन में हमारे भारत को क्या कहा जाता है पता है? कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता। वहां पर क्या है, एक तो जनसंख्या, अभी अभी कुछ समय से भारत जो है नंबर वन पोजीशन पे आ गया, नंबर वन पोजीशन पर तो पॉपुलेशन के मामले में चाइना था, तो वहां के लोग है ना, बहुसंख्यक जो है, बहुभाषी जो है, वो मंदारिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो है अपने अकेले
दम पर जो है ये नंबर वन बोली जाने वाली भाषा है, जबकि हमारे भारत में क्या है आप देखते होंगे हिंदी केवल 40-45% लोग बोलते हैं, बाकी कहीं पर जो है बंगाली है, कहीं पर जो है तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है ना, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के कुछ ही क्षेत्रों में जो भाषा है वो हिंदी, कुछ क्षेत्रों में नहीं, करीब को लगता है कि 15 से 17 राज्य ऐसे होंगे जहां हिंदी प्रथम मतलब भाषा है, और जैसे बंगाल हो गया वहां पर द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है बंगाल में, ठीक है, प्राथमिक भाषाओं का बंगाली है, ठीक है। तो विश्व में सबसे अधिक मंदारिन, दूसरे नंबर पर स्पेनिश है ना, स्पेनिश भाषा, और तीसरा जो है इंग्लिश है, थर्ड पोजिशन इंग्लिश है। तो हम लोगों के लिए निश्चित रूप से गर्व करने वाली बात होनी चाहिए कि हिंदी जो है वो चौथे नंबर पर है सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा के रूप में, ठीक है। तो बंधु लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लोग का कि आगे देखते हैं भारत यूरोपीय भाषा परिवार की है ना, भारत यूरोपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं है ना भारत में बोली जाती हैं उन्हें भारतीय आर्य भाषा परिवार कहते हैं, समझिएगा कि मतलब इंडो, यहां हम आपको लिख देते हैं, समझा देते हैं कि इंडो है ना, इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन ये हो गया भाषा परिवार कि जो भाषाएं भारत में बोली जाती है, मतलब इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा जो भारत में बोली जाती है उसको भारतीय आर्य भाषा परिवार कहते हैं, मतलब इंडो यूरोपियन, यहां हो गया इंडो आर्यन है ना, इंडो आर्यन, आर्यों की भाषा, आर्य भाषा, क्या बोले हम, आर्य भाषा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, इंडो आर्यन हम बोले, इंडो आर्यन, इंडो यूरोपियन के अंतर्गत जो भारत में बोली जाती है भाषा वो इंडो आर्यन, यानी है ना उसको भारतीय आर्य भाषा परिवार कहते हैं, ठीक है, भारतीय आर्य भाषा परिवार, याद रखेंगे इस चीज को, भारतीय आर्य भाषा परिवार कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आर्य भाषा शाखा का उपलब्ध प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है, मतलब आर्य भाषा जो हम लोग बोलते हैं भारत में, तो इस भाषा का जो उपलब्ध प्राचीनतम रूप है वो वैदिक संस्कृत है, क्या है, वैदिक संस्कृत, इस पॉइंट को है ना याद रखिएगा आप लोग, वैदिक संस्कृत है, ठीक है, वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो आर्य भाषा शाखा का उपलब्ध प्राचीनतम रूप क्या है, वैदिक संस्कृत है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इस तरह से दे देगा कि आर्य भाषा शाखा का उपलब्ध प्राचीनतम रूप डैश है, तो दे देगा वैदिक संस्कृत, दे देगा तमिल, दे देगा कन्नड़, दे देगा मलयालम, अब आप उसको निकालते रहिए, है ना। तो जो भाई बंधु जो इस वीडियो को देख रहे होंगे ठीक से उनको ये याद रह जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आपको पढ़ाने नहीं, आपको केवल रिविजन करवाने आया हूं, भूली चीजों को है ना आपके दिमाग में फिर से उसको एडजस्ट करने, सेट करने के लिए आया, ठीक है, क्योंकि आप तो गुरुजन है, आपको हम पढ़ा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते, ठीक है, केवल रिविजन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, तो वैदिक संस्कृत से किस तरह से देखिए है ना मतलब हुआ है, वैदिक संस्कृत पहले नंबर पर है, वैदिक संस्कृत के बाद जो है लौकिक संस्कृत, क्या आया, लौकिक संस्कृत, फिर है पाली प्राकृत, फिर है अपभ्रंश यानी पुरानी हिंदी, और पांचवा नंबर पर आधुनिक भाषा आया, ठीक है ना। तो किस तरह से कालक्रम चला, देखे सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से फिर लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद जो पाली और प्राकृत, फिर अपभ्रंश जिसको पुरानी हिंदी कहते हैं, और फिर पुरानी हिंदी के पश्चात आधुनिक भाषाएं जिसमें कि हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, ये चार चीज आया, याद रखेंगे आप लोग। पहला क्या, वैदिक, क्रमबद्ध तरीके से याद करेंगे, वैदिक संस्कृत पहला हो गया, दूसरा हो गया लौकिक संस्कृत, तीसरा हो गया पाली प्राकृत, चौथा हो गया अपभ्रंश जिसको पुरानी हिंदी कहते हैं, और पांचवा जो है वो आधुनिक भाषाएं है ना, उसके अंतर्गत क्या क्या आ गया, हिंदी आ गया, बंगला आ गया, मराठी आ गया, गुजराती आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हुआ, टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड मिला है ना, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हुआ, कई सारे प्रश्नों में हम ये भी देखे हैं, ठीक है, कि ये कितने ईस्वी के आसपास हुआ, इसीलिए हमने इसको डाला इसमें नॉट के रूप, ठीक है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट,
कि हिंदी का विकास अपभ्रंश या पुरानी हिंदी से हुआ है। अभी तो बताया ही आपको, है ना, क्या क्या बताया कि वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली प्राकृत, फिर अपभ्रंश, है ना, अपभ्रंश यानी पुरानी हिंदी, फिर आधुनिक भाषाएं, उसमें से हिंदी, है ना, ये सब आया था। फिर है तीसरा पॉइंट कि अपभ्रंश के कई रूप थे, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ देता है, अपभ्रंश के कई रूप थे, कौन कौन था, मुख्य रूप से शौरसेनी, माघधी एवं महाराष्ट्री, ये तीन को याद रखिएगा, शौरसेनी, माघधी और एवं महाराष्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट टाइम की ओर बढ़ते हैं, अगर कहीं आपको लगे कोई तरह का डिफिकल्टी आपको लगे या कुछ आपको लगे कि इसमें होना चाहिए ठीक, तो व्हाट्सएप नंबर देंगे बंधु लोग, आप लोग इसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा ताकि हमें अपने भूल को सुधार करके और अच्छे से आगे बढ़ने का मौका मिले, आपसे उम्मीद यही करते हैं। आगे देखिए, भारतीय भाषा परिवारों में मुख्यतः दो भाषा परिवार की भाषाएं प्रचलित हैं, क्या बोले, भारतीय भाषा परिवार में मुख्यतः दो भाषा परिवार की भाषाएं प्रचलित हैं, कौन कौन है वो, एक है आर्य भाषा परिवार और दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, क्या बोले हम, आर्य भाषा परिवार और दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार। तो आर्य भाषा परिवार में 18 भाषाएं, याद रखिएगा, है ना, कौन कौन सा है, तो संस्कृत है, हिंदी है, असमिया है, उड़िया है, बंगला, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कश्मीरी, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, उर्दू, बोडो और डोगरी। इससे प्रश्न पूछता है, ठीक है, इसमें से देगा कि संस्कृत, है ना, किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ये आर्य भाषा परिवार की भाषा है संस्कृत, ठीक है, और अगर दे दिया तमिल तो क्या बोलिएगा, या मलयालम तो क्या बोलिएगा, वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारतीय भाषा परिवारों में मुख्यतः दो भाषा परिवार की भाषाएं प्रचलित है, एक है आर्य भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार। तो आर्य भाषा परिवार में कुल कितनी भाषाएं, 18 भाषाएं, ये एग्जाम में आता है इस टाइप का, है ना, बोल देगा आर्य भाषा परिवार में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो आपको ऑप्शन रहेगा 18, 17, 16, उसमें तो गड़बड़ा देता है नीतीश वाले में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, ठीक है। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना, आर्य भाषा में कुल 18 भाषाएं। और आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वाले में है कि द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं हैं, कौन कौन सा है, एक हो गया तमिल, दूसरा हो गया तेलुगु, तीसरा हो गया मलयालम, चौथा हो गया कन्नड़। तमिल कहां बोला जाता है, तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, मलयालम केरल में और कन्नड़ कर्नाटक में। ये 4 भाषाएं जो है, ये द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं हैं, ठीक है। तो इनसे भी प्रश्न पूछ देगा कि मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है, तो क्या बोलिएगा, है ना, तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा, ऑप्शन दिया रहेगा, इंडो यूरोपियन रहेगा, इंडो ईरानियन रहेगा, इंडो आर्यन रहेगा, है ना, द्रविड़ियन रहेगा, तो आपको तुरंत ऑप्शन जो है, इसमें तो आसान है कि 4 ही ऑप्शन रहेगा, है ना, 4 ऑप्शन रहेगा। 5 वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है, बीपीएससी एग्जाम जो जो दिए होंगे तो उनको पता होगा कि पांचवा ऑप्शन कितना कंफ्यूजन उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में अंतर, बहुत महत्वपूर्ण है ये, है ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है, है ना। तो ध्यान रखिएगा शिक्षक बंधुओं कि पूरे राज्य में बोले या समझे जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है। अब पूरे राज्य का तात्पर्य यह है कि हिंदी जो है करीब करीब सभी राज्यों के लोग समझ लेते हैं, बोल भले ही ना पाते हो पूरा फ्रेंकली, लेकिन समझ लेते हैं, और 40-45% तो बोलते भी हैं और समझते भी हैं, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा, इसको हिंदी को राष्ट्रभाषा, और राजभाषा का मतलब क्या हो गया कि किसी देश या राज्य का राजकाज जिस भाषा में चलाया जाता है उसे उसकी राजभाषा कहते हैं, है ना। तो कार्यालय में जो भाषा यूज होता है, जैसे किसी देश या राज्य का राजकाज जिस भाषा में चलाया जाता है उसको राजभाषा कहते हैं। तो ये है अंतर राजभाषा में और राष्ट्रभाषा में, है ना। तो ये हो गया हम लोग का अंतर, राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अंतर हो गया। बंधु आगे देखते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पूछा था, इसीलिए इसको लिखे भी है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, किसके अनुसार, अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, और लिपि क्या है, देवनागरी है। लिपि क्या है, देवनागरी। दूसरा पॉइंट लिखे हैं कि भारत में 40-45% लोग
हिंदी भाषी है, है ना। भारत में 40-45% लोग क्या है, हिंदी भाषी है। आगे देखते हैं, अब देखिए बोली उपभाषा और भाषा क्या है, है ना। इससे प्रश्न आया है, इससे प्रश्न आया है, इसीलिए इसको हम लिखे हैं और वही चीज का सिलेक्शन किए हैं जो आपको पूछा जाएगा, जहां से प्रश्न आएगा वहीं से कलेक्शन किए हैं। ठीक है, हम शिक्षक बंधु आपको पुनः बोलते हैं, हम विद्वान बहुत बड़े नहीं है, आप सबके ही बीच में से आपका बंधु है, छोटा भाई है, बस प्यार बनाए रखिएगा। और अगर कहीं गलती होगी तो निश्चित रूप से आप लोग छात्र तो है नहीं, आप लोग तो शिक्षक बंधु हैं, तो अगर कहीं गलती होती है तो निश्चित रूप से आपका जो जो भी उसको सुधारात्मक कदम जो होगा मेरे लिए शुभधारी होगा। आगे देखते हैं, बोली उपभाषा और भाषा। तो बोली क्या होता है शिक्षक बंधु, जैसे एक छोटे से क्षेत्र में बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे बोली कहते हैं, डायलेक्ट, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायलेक्ट कहते हैं। ठीक है, अर्थात भाषा का क्षेत्रीय रूप, है ना, भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या होता है, बोली कहलाता है। हम आप लोग तो जानते होंगे कि कोस कोस पर पानी बदले और दस कोस पर वाणी, मतलब कोस कोस पर पानी बदल जाता है और 10-15 कोस पर जो है वाणी बदल जाता है, बोलचाल बदल जाता है, है ना। जैसे हम लोग अंगिका क्षेत्र के, है ना, हम लोग भागलपुर के रहने वाले हैं, अंगिका क्षेत्र हम लोग का कहलाता है, अंग क्षेत्र कहलाता है, हम लोग अंगिका भाषा बोलते हैं। जैसे तुम कहाँ जाते हो तो उसको कैसे बोलेंगे अंगिका में, तो कहाँ जाए छे, कोई अगर सम्मानित व्यक्ति तो अपना कहाँ जाए छो, है ना, ये हम लोग का क्या है, तो अपना भाषा है। और यहां से 10 किलोमीटर दूर नवच्छा पड़ता है, भागलपुर का ही क्षेत्र है, तो उस ओर जब यही अंगिका भाषा ही बोला जाता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा करके ऐंट करके बोला जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया बोली। फिर बोली में देखिए क्या क्या आएगा, जैसे भोजपुरी हो गया, बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया, ये सब बोली का उदाहरण, ठीक है। फिर आते हैं बंधु उपभाषा पर, उपभाषा क्या होता है, उपभाषा जो होता है ना वो बोली के तुलना में अपेक्षाकृत जो है उसका क्षेत्र बड़ा होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है, है ना, और बड़े पैमाने पर जो है बोलचाल में इस भाषा का प्रयोग होता है। इसमें उपभाषा में साहित्य की रचना भी की जाती है, है ना। अब नौवां मतलब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्राय देखा जाता है कि 15-20 किलोमीटर के अंतर पर बोली के बाह्य रूप में, मतलब बाहरी रूप में क्या होता है, थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, बोली के बाहरी रूप में थोड़ा परिवर्तन जाता है, पर उसका मूल रूप नहीं बदलता है। इसी को उपभाषा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, उपभाषा। जैसे अभी हम बोले, है ना, तो जैसे हम बोले तो दूसरे तरफ जो है, जैसे बांका साइड हम लोग जब चले जाते हैं तो उसमें क्या करता है, थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है, तो जाकने हो, जाकने मतलब तो गेलो छे ना, तो गेलो छे गए थे, ये जातना है, खातना है, है ना, हम लोग बोलते हैं कि खाई लाओ, है ना, जाते लिए आते लिए, इस टाइप का थोड़ा सा मतलब चेंजिंग आ जाता है बाह्य रूप में, लेकिन मूल जो है वही रहता है, ठीक है। तो वही चीज है, उसी को उपभाषा कहा जाता है। इसमें हम बंधु लोग उदाहरण देना चाहेंगे कि मथुरा का जो आसपास का एरिया है वहां का डायलेक्ट जो है क्षेत्रीय बोली, उसको ब्रज बोली कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ब्रज बोली कहते हैं। और जब इस ब्रज बोली का प्रयोग लेखक एवं कवि, ध्यान दीजिएगा कि जब ब्रज बोली का प्रयोग लेखक एवं कवि दूर दूर से करते हैं तो वह ब्रज बोली ब्रज की उपभाषा बन जाती है, क्या बन जाती है, ब्रज की उपभाषा बन जाती है। याद रखिएगा इस चीज को, है ना, कि ब्रज बोली जो है जब वो बड़े लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है तो वही जो है वो बोली उपभाषा में कन्वर्ट हो जाता है, है ना। और जब कोई समर्थ साहित्य का मजबूत स्ट्रॉन्ग, शरीर से नहीं अपने लेखनी से मजबूत जो रहता है, है ना, तो उपभाषा को साहित्य में सर्वमान्य रूप प्रदान कर देता है, तब वो उपभाषा भाषा बन जाता है। अभी उदाहरण देंगे आपको, आपको बंधु लोग समझ में आ जाएगा, अगला उदाहरण से अगले स्लाइड में समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए आप लोग बंधु लोग पढ़े होंगे सूरदास का नाम सुने होंगे, है ना, सूरदास जी ने, है ना, सूरदास जी ने क्या किया, तो सूरदास जी ने ब्रज बोली में, है ना, सूर सागर की रचना की, किसकी रचना की, सूर सागर की रचना की। तो ये ब्रज बोली जो है बंधु,
ये ब्रज भाषा बन गया। क्या बन गया? ब्रज बोली बन गया, ब्रज भाषा। उसी तरह तुलसीदास जी ने, है ना, तुलसीदास जी ने अवधि, अवधि उत्तर प्रदेश में ये भाषा प्रचलित है, अवधि में रामचरित मानस की रचना की, और रामचरित मानस की रचना करने के पश्चात ये अवधि बोली नहीं रहा, उपभाषा नहीं रहा, बल्कि ये अवधि भाषा बन गया। बंधु क्या बन गया? वो अवधि भाषा बन गया। ये सामर्थ्य था इनका, सूरदास जी का और तुलसीदास जी का, सामर्थ्यवान थे, लेखनी में दम था, है ना, इस वजह से उन्होंने डायलेक्ट को लैंग्वेज बना दिया, बोली को उपभाषा भी नहीं रहने दिया, उपभाषा को भाषा में कन्वर्ट कर दिया, है ना। और फिर एक और नाम लेना चाहेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी, बारहवीं में इनका भी सबका जो है एक एक जैसे सूर सागर से, पद्मावत से, है ना, दिया गया है, जागो ब्रज राजकुमार, है ना, सूरदास जी का है, उसमें बारहवीं क्लास में जागो ब्रज राजकुमार कृष्ण जी के बारे में कह रहे हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी उन्होंने पद्मावत की रचना की अवधि भाषा में, और वो अवधि अवधि बोली में, उपभाषा में, और वो अवधि भाषा में कन्वर्ट हो गया। ये इनकी सामर्थ्यता के वजह से, ये सामर्थ्य थे, इस वजह से उन्होंने डायलेक्ट को, उपभाषा को लैंग्वेज में चेंज कर दिया। फिर विद्यापति का भी नाम हम लोग नहीं भूल सकते हैं, विद्यापति जिसको जिनको कहा जाता है कोकिल मैथिल, है ना, विद्यापति। तो मैथिली भाषा, मैथिली जो डायलेक्ट था वो भाषा बना, और फिर मैथिली भाषा स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और एक कालजयी रचना पदावली के बदौलत जो है वो मैथिली मैथिली भाषा बन गया, उपभाषा नहीं, बोली नहीं, उपभाषा नहीं, मैथिली भाषा बन गया। फिर है उपभाषा, ध्यान रखिएगा इस बात का कि उपभाषा जो है व्याकरण के कठोर नियमों से स्वतंत्र होता है, है ना, व्याकरण का बहुत ज्यादा रूल जो है इसमें नहीं लगता है। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं अपने लैंग्वेज में, अंगिका में हम जाए छिए हम दोनों तरह से बोल सकते हैं, कोई बहुत जरूरत नहीं है कि आप हम व्याकरण के रूल से बंधे रहेंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उपभाषा जो है व्याकरण के कठोर नियमों से स्वतंत्र होता है। आगे का स्लाइड देखते हैं बंधु लोग, भाषा क्या है। अब देखिए बोली और उपभाषा को जब हमने, है ना, बता दिया, तो इसको अगर नहीं व्याख्या करेंगे तो बेमानी हो जाएगा। तो जब उपभाषा या विभाषा प्रमाणिक रूप धारण कर लेता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जब ये धारण कर लेता है, उसको हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं, है ना, और उसमें ग्रामर का बहुत ध्यान रखा जाता है ना, ग्रामर जो है, व्याकरण जो है, उस पर बहुत हम लोग को ध्यान देना पड़ता है, कहीं हम लोग गलत लिख तो नहीं रहे हैं, कहीं हम लोग गलत बोल तो नहीं रहे हैं, है ना। और निष्कर्ष बंधु इसका यही है कि बोली, बोली से विकसित होता है उपभाषा, और उपभाषा से विकसित होता है बंधुगण भाषा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका सुझाव बहुत सहृदयता पूर्वक आमंत्रित है। अगर आपको लगे बंधुओं कि कहीं पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपसे सुझाव की अपेक्षा रखते हैं। आगे देखते हैं 15 हिंदी की उपभाषाएं। तो सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी ये पूछता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें है पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी और मारवाड़ी, मेवाती, ये सारा चीज आता है, याद रखिएगा इस चीज को। पश्चिमी हिंदी में याद रखेंगे कि क्या क्या आया, इसको हम आपको लाल वाले से ठीक कराते। पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी, इतना सा याद रखिएगा। अब पूर्वी हिंदी में, पूर्वी हिंदी में आएगा अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया, सबलेगढ़िया, याद रखिएगा, है ना। फिर भोजपुरी, फिर मैथिली और फिर मगही। मगही ये पटना साइड, गया साइड जो है ना, ये भाषा बोला जाता है। तो कहां जाएगा इस तरह से, हालांकि हमको नहीं पता उतना अच्छा से, मैथिली अहां कतः जाए छी, है ना, बड़ा मधुर लैंग्वेज है मैथिली, अहां कतः जाए छी, है आप कहां जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए कितना मधुर लैंग्वेज है। अब बताइए कि उधर का जो पुलिस सब है, वो अगर चोर से ऐसे पूछेगा अहां कतः जाए छी, तो कितना सम्मानित भाषा है ना, चोर को भी लगा कि कितना अच्छा से पूछ रहा है, कतः जाए छी। तो ये मैथिली की खासियत है। तो उत्तरी या पहाड़ी हिंदी, इसमें गढ़वाली और कुमाऊनी, यही दुख आता है। और दक्षिणी हिंदी में दक्षिणी हिंदी आता है, दक्षिणी, डेक्कन, डी ई डबल सी ए एन, डेक्कन हिंदी, याद रखिएगा बंधु लोग।
अब दो स्लाइड और बचा होगा, थोड़ा और झेल लीजिए हमको, है ना। 16वें नंबर पर देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी, है ना, प्रयोजन मूलक हिंदी की ओर हम लोग चलते हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी में चार है, प्रशासनिक या कार्यालय हिंदी, दूसरा तकनीकी हिंदी, इससे कम प्रश्न आता है, व्यावसायिक हिंदी, विधि संबंधी हिंदी और जल संचार संबंधी हिंदी। इतनी चीजें आपकी, है ना, प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आता है। और अंतिम स्लाइड लिपि क्या है, इससे प्रश्न तो निश्चित रूप से पूछता है, एकदम निश्चित 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 पूछता है। एक क्वेश्चन परफेक्ट, इतने समय से एक क्वेश्चन एकदम निश्चित पूछेगा घुमा फिरा करके। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। है? जैसे हम लोग क्या लिखते हैं देवनागरी में, देवनागरी में क्या होगा, जैसे राम लिखे तो ये क्या हो गया, ये देवनागरी हो गया। गुरुमुखी जो है कुछ और लिखा जाता है। अंग्रेजी में इसी राम को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना, अरबी का कुछ और। तो संस्कृत और हिंदी ये आ गया कौन सा लिपि, देवनागरी में। पंजाबी आ गया किसमें, गुरुमुखी में। बंगला आ गया किसमें, बंगला लिपि में। अंग्रेजी आ गया किसमें, रोमन लिपि में। अरबी आ गया किसमें, अरबी लिपि में। और उर्दू फारसी आ गया किसमें, फारसी लिपि में, है ना। याद रखिएगा पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी फारसी लिपि में, और अरबी जो है वो अरबी में। याद रखेंगे इस बात को, उर्दू फारसी फारसी में और अरबी अरबी में, अंग्रेजी रोमन में, बंगला बंगला में, पंजाबी गुरुमुखी में, संस्कृत हिंदी देवनागरी में। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम, ये समाप्त होता है। अब हम 50 के लगभग में ऑब्जेक्टिव, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो आपको करवा देते हैं। और आपको ये हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि जितना देंगे या जितना सब बताए उससे एक भी चीज बाहर नहीं जाएगा, और एक प्रश्न यहां से बिल्कुल बिल्कुल इस चैप्टर से निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम, उसको हमने कंप्लीट किया है, पूरा किया है। तो अब हम लोग जब उसको अच्छे से, है ना, रिवीजन कर लिए हैं, उसको हमने अच्छे से आपको बता दिया है, तो बंधु लोग अब जो है अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो जो आपको हमने थियोरी दिया उसके आधार पर हम प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल सही उत्तर लिख करके आए, सही उत्तर दे करके आए, है ना। जो पढ़ाए हैं कम से कम आपको ये भी जानने में मदद मिलेगी कि हमने जो बताया, है ना, तो वो कितना कामयाब हो पाए आप उसको समझने में, याद रखने में, और हम कितना कामयाब हो पाए आपको वो चीज डिलीवर करने में, ठीक। तो देखिए हमने स्टार्ट किया था इसी से, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो पहला प्रश्न, इसका उत्तर देखेंगे, इसका उत्तर होगा हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपीय। इसका सही उत्तर क्या होगा, भारोपीय, यानी इंडो यूरोपियन। याद रखेंगे इस चीज को आप लोग, इंडो यूरोपियन, है ना, क्या हो जाएगा, इंडो यूरोपियन, है ना, भारोपीय भाषा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो निर्विवाद रूप से इसका उत्तर क्या लिखेंगे, हिंदी। सही आंसर इसका हिंदी है। कितना परसेंट, तो 40-45% लोग जो है वो हिंदी भाषी है, ठीक। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहां से, वो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से या लौकिक संस्कृत से या पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से, तो इसका उत्तर क्या होगा, अपभ्रंश से। ये आपका आंसर हो जाएगा, अपभ्रंश से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, कन्नौजी होगा या बांग्रो होगा या अवधी होगा या तेलुगु होगा, ठीक है। तो ये तीनों जो है, ये कन्नौजी बांग्रो और अवधी, ये तीनों ही जो है ना ये बोली है, उपभाषा है, है ना। और तेलुगु जो है ना ये आपका अलग हो जाएगा ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ये तीनों हिंदी के अंतर्गत आती है, हमने बताया था आपको, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, है ना, दक्षिणी हिंदी, ये सब बताया था हमने आपको, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, तेलुगु, सही उत्तर होगा इसका तेलुगु। आगे देखिए, तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो ब्रज भाषा जो है बंधु,
ये काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा इसको काव्य भाषा कहा जाता है, सबसे अधिक प्रसिद्ध काव्य भाषा के रूप में है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी को निश्चित तौर पर राजभाषा वर्ग में रखेंगे, कार्यालयी भाषा है ना। ढूंढाड़ी बोली है कहां की बता सकते हैं? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? तो बंधु लोग ये ढूंढाड़ी बोली जो है ये पूर्वी राजस्थान का भाषा है, याद रखेंगे आप लोग, पूर्वी राजस्थान का भाषा ढूंढाड़ी। ठीक, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। आगे देखते हैं, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, बताइए कौन सी? पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला? क्या होगा इसका आंसर बता सकते हैं? इसका आंसर होगा पुरानी बांग्ला। ब्रज बोली पुरानी बांग्ला, कंफ्यूज मत होइएगा, मथुरा वगैरह सब नहीं दे दीजिएगा, ठीक है, ब्रजभाषी क्षेत्र वाला नहीं दे दीजिएगा, ब्रज बोली पुरानी बांग्ला। ठीक, निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? तो मराठी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, मराठी है ना। जैसे हम लोग लिखेंगे आमचा, आमचा ये मराठी लैंग्वेज हमको पता नहीं है मीनिंग, लेकिन इसी तरह लिखा जाता है। ठीक, अगला है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह मां लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर बखरा लागत है तवन हमका दईदा, है ना। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो यह अवधि भाषा है, बड़ी मधुर भाषा है, रामचरितमानस जो लिखा गया है ये अवधि भाषा में ही, और पद्मावत जो लिखा गया है ना वो भी अवधि भाषा में ही, जो प्रमुख कालजयी रचना जो है वो अवधि भाषा में लिखी गई है, और इसी ने यही अवधि जो बोली था उपभाषा बना, और तुलसीदास इतने समर्थ समर्थ जिसको समर्थवान जिसको कहते हैं, इतने समर्थवान थे कि उन्होंने इसको भाषा का रूप दे दिया है ना, अपने पावर के बल पर, लेखनी के बल पर उन्होंने दे दिया है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? बता सकते हैं, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधि या पाली? तो बंधु लोग इसका उत्तर होगा पाली। क्या होगा? पाली। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? यह तो स्वयं में भी कोई आंसर दे देगा, इसका ब्राह्मी लिपि इसका आंसर होगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, याद रखिएगा बंधु लोग। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हम वीडियो जो बनाए हैं थ्योरी वाला, मतलब जिसमें पूरा डिटेल में बताए हैं, उसमें यह दिया हुआ है कि कौन किस लिपि में लिखा गया, आपको बोले थे ना, उससे क्वेश्चन जरूर आता जरूर रहेगा। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? हिंदी भाषा किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। अगर पंजाबी भाषा रहेगा किस लिपि में? गुरुमुखी में, है ना, याद रखिएगा इस चीज को। उर्दू फारसी किसमें है? उर्दू अरबी किसमें है? तो ये सब याद रखिएगा। अगला देखिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है ब्रज भाषा, अवधि, खड़ी बोली या देवनागरी? क्या इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा बंधु लोग खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली जो है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, उसमें बताए हैं पूर्वी हिंदी कौन कौन है, पश्चिमी हिंदी कौन कौन है, दक्षिणी हिंदी कौन कौन है, ये सारा चीज का डिटेल बताए हैं, है ना। इसका आंसर होगा कि छत्तीसगढ़ी बोली जो है ना ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए इसका जो है वो सही उत्तर होगा बंधु लोग। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली? इसका सही उत्तर होगा बघेली। क्या होगा? बघेली इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 343 और 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक या 334 से 153 तक? तो बंधु लोग इसका सही उत्तर है 343 से 351 तक। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई या मैसूर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई है ना, हालांकि मैसूर में जो है CIIL है ना। अगला देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ये भी हम दिखाए हैं,
वीडियो में आप देख लीजिएगा ध्यान से। प्राकृत अभ्रंश हिंदी पाली, अभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, हिंदी पाली अभ्रंश प्राकृत। तो सबसे पहले है ना पाली, फिर प्राकृत, फिर अभ्रंश, फिर हिंदी। तो ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा ये वाला। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद में अनुच्छेद 354 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, या हिंदी के विकास के लिए निर्देश? तो इसका सही उत्तर होगा बंधु लोग, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। आगे देखते हैं, ब्रज भाषा है, क्या है ब्रज भाषा बता सकते हैं? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा इसका पश्चिमी हिंदी। ये सबसे है ना सबसे करेक्ट आंसर ये होगा पश्चिमी हिंदी। आगे देख लेते हैं, मगही किस उपभाषा की बोली है बता सकते हैं? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? तो ये बिहारी इसका जो है ना आंसर हो जाएगा, मगही। ठीक है, आगे देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो खड़ी बोली जो है ना, ये सौरसेनी का हम चर्चा किए हैं, देखे होंगे आप लोग, तो खड़ी बोली जो है ये सौरसेनी अपभ्रंश से जो है विकसित हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 में, 1954 में, 1953 में, 1956 में, क्या होगा? 1956 ईस्वी में। आगे देखिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब का, राजस्थान का, जम्मू कश्मीर का या आंध्र प्रदेश का? तो इसका भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी से, बिहारी से, पूर्वी हिंदी से या पश्चिमी हिंदी से? करेक्ट आंसर होगा पूर्वी हिंदी। ये सारा थ्योरी में बता चुके हैं। अगला देखेंगे, देखेंगे किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबको याद होगा, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को है ना हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। आगे देखिए, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे? बीजी खेर, जीबी पंत, सुनीति कुमार चटर्जी या पी सुब्बो रोयान? क्या होगा इसका आंसर? बीजी खैर जो थे ये प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, इसको ध्यान में रखिएगा। बीजी खैर, अनुपम खैर, याद रखिएगा, अनुपम खैर से याद रह जाएगा बीजी खैर, है ना। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, ये भी हम बता चुके थे, कुल 22 भाषाएं हैं, 18 + 4, इंडो आर्यन में 18 और द्रविड़ियन में 4, जिसमें आपको बताया था ना तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक, आगे देखते हैं, हिंदी की आदि जननी है बताइए कौन? हिंदी की आदि जननी, ये तो बहुत सरल सा आंसर है, संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है। आगे देखते हैं, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था बता सकते हैं? नागपुर, लंदन, मॉरिशस या न्यूयॉर्क? तो इसका सही आंसर होगा मॉरिशस। क्या होगा? मॉरिशस, है ना। आगे देखिए, हिंदी की आदि जननी रिपीट हो गया बंधु लोग, तो ये संस्कृत होगा इसका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है बता सकते हैं? मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी? क्या इसका सही आंसर होगा? तो मलयालम, है ना, भारतीय परिवार की भाषा नहीं है ये द्रविड़ियन, है ना, द्रविड़ परिवार की भाषा है ये। ठीक, आगे देखते हैं, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है बता सकते हैं किस दिन? अभी तुरंत बताए थे 14 सितंबर को। आगे देखिए, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली, संस्कृत, हिंदी या अवध? क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा पाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है कन्नौजी अवधि, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू या खड़ी बोली बुंदेली? सही आंसर होगा खड़ी बोली बुंदेली। अगला देखते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बांगरू, बघेली, ब्रज भाषा या भोजपुरी? क्या होगा इसका आंसर बता सकते हैं? इसका आंसर होगा बघेली। सही आंसर होगा इसका बघेली बंधु लोग। आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, देखिए गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी, नागरी लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी, ब्राह्मी। अब देखिए, आपको हम बताए भी थे कि अधिकतर भारतीय भाषाओं के लिपि की जननी कौन है? तो ब्राह्मी। तो जैसे ब्राह्मी आ गया पहले में, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, तब गुप्त, तब नागरी, तब देवनागरी। 40वां नंबर है
इंशा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी की एतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है उदयभान चरित। क्या नाम है? उदयभान चरित। बंधु लोग याद रखेंगे इसको। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है बता सकते हैं? छत्तीसगढ़ी बघेली ब्रजभाषा अवधि। इसका करेक्ट आंसर होगा अवधि। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधि, मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये तीनों बिहारी बोली है, लेकिन अवधि जो है ये उत्तर प्रदेश का तीन क्षेत्र, तीन बताए थे आप लोगों को ना, सुल्तानपुर में बोला जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु लोग, ये कुल मिलाकर के हमने 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रखे। बहुत उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत मदद करेगा आपका प्रिपरेशन में। तो बंधु लोग आप मेरे साथ बने रहे, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और जोश और जज्बा, जुनून अपने अंदर हो सके कि नहीं हमको अपने बंधु लोग के लिए कुछ करना है। थैंक यू। शुभ रात्रि सभी लोगों को। बहुत 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 धन्यवाद आप लोग का। ढेर सारी शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। थैंक यू।